आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। अगर आपको हमारे चैनल से गिव अवे में आपको कुछ भी नया लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्राइस होने वाला है, हम सिर्फ गेम डलवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्राइस होने वाला है। तो वेलकम बैक टू, आज वीडियो काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक्सबॉक्स में आप गेम कैसे डलवा सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी है कि विशाल भाई मुझे ना यार अपने पास एक्सबॉक्स है उसको गेम लोडेड करवाना है, मतलब कि ऐसा कुछ करो कि जेल ब्रेक करो या जेटक करो या कुछ भी करो, मेरे को एक्सबॉक्स में गेम खेलना, क्योंकि गेम काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है एक्सबॉक्स में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप एक्सबॉक्स में गेम कैसे डलवा सकते हो और एक्सबॉक्स में गेम डलवाने के कितने रुपए लगते हैं, क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क निकाल के भेज दो या फिर आप पूरा कंसोल भेजना पड़ेगा या हमें दिल्ली आना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखना ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी क्वेरीज ठीक हो सके, समझ में आ सके आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप लोगों को एक्सबॉक्स में गेम डलवाना है, बात होती है कि एक्सबॉक्स 360 में डलवाना है, एक्सबॉक्स वन में डलवाना है या एक्सबॉक्स वन एस, एक्सबॉक्स वन एक्स या एक्सबॉक्स सीरीज एस, सीरीज एक्स, ठीक है। तो सारे तरह के जो एक्सबॉक्स हैं उसमें से हम किस में गेम डलवा सकते हैं और किस में गेम नहीं डलवा सकते हैं और जो प्राइजेज हैं वो कितने के हैं, अगर आप हम नया लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्राइस होने वाला है, हम सिर्फ गेम डलवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्राइस होने वाला है, इसी वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी दिक्कत होता है तो बताओ मुझे, उसकी सॉल्यूशन मैं दूंगा आप लोग को, हो सके तो यहीं पे दूंगा कमेंट्स में, हो सके तो यार मैं पूरा प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बताने वाला हूँ। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग एक्सबॉक्स 360 लेना चाहते हैं नया, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। रही बात कि एक्सबॉक्स 360 अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गेम कौन कौन से होते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सबॉक्स में गेम कौन कौन से होते हैं। लेकिन देखो कई लोग होते हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि भाई एक्सबॉक्स 360 और PS3 में क्या अंतर है, क्या गेम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर कई लोग सोचते हैं कि एक्सबॉक्स ले लेते हैं वो सस्ता है, PS3 थोड़ा सा महंगा है, तो क्यों महंगा है, क्यों सस्ता है, कौन कौन से गेम से क्या डिफरेंस है, तो गाइज इसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जा करके वहाँ पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सबॉक्स 360 लेते हैं तो इसमें आपको 70-80 गेम हम आपको डाल करके देने वाले हैं। 70-80 गेम्स कुछ कम नहीं होते ये गेम, 70-80 गेम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो 70-80 गेम हम आपको इस एक्सबॉक्स के अंदर देने वाले हैं, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला जो है ये रिपेयर के लिए आया हुआ था, तो ये वाला मत सोचना कि ये वाला मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, रिपेयर का किसी और का, वो तो लेके जाएगा। अगर आप एक्सबॉक्स 360 ले रहे हैं तो उसमें 70-80 गेम मिलने वाले हैं, वो भी आपके पसंद के। और रही बात आपके पसंद के, विशाल भाई मैं कौन कैसे बताऊंगा आप डालोगे इंडल, तो गाइज ये प्री लोडेड गेम्स होते हैं, हम आपको पहले से ही गेम लोड करके देते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि 90% वो आपकी जो पसंद है वो ही गेम उसमें लोड है, क्योंकि जो रनिंग गेम्स होते हैं ना, जो पॉपुलर गेम है, जो रनिंग गेम्स ज़्यादा तो लोग डलवाते हैं, तो वही गेम हम उसमें डाल करके देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा अलग से गेम डलवाना तो वो भी हम डाल करके देने वाले। तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 10,000 रुपये एक्सबॉक्स 360S मॉडल गेम्स लोड करके, साथ में GTA 5 भी होगा, वो मिलने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये में। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 10,000 में 70-80 गेम्स हैं उसमें मैं गॉड ऑफ वॉर भी खेल लूँगा, अनचार्टेड भी खेल लूँगा, लास्ट ऑफ अस खेल लूँगा, तो गाइज ये आप गलत सोच रहे हैं। इसमें गॉड ऑफ वॉर यानी कि प्ले स्टेशन के कोई भी गेम नहीं चलते हैं, जो प्ले स्टेशन के खुद के गेम है ना वो इसमें नहीं चलते हैं, वो एक्सबॉक्स में नहीं चलता। एक्सबॉक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट की गेम्स उसमें चलती हैं और प्ले स्टेशन में प्ले स्टेशन की गेम्स चलती हैं, और जो बाकी गेम्स हैं वो सब जो सिमिलर गेम्स हैं जैसे कि स्पाइडरमैन हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, GTA 5 हो गया, वो सब में ही चलते हैं, चाहे वो एक्सबॉक्स हो चाहे वो प्ले स्टेशन हो, ठीक है ना, सब में चलते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सारे गेम्स मिलने वाले हैं, जैसे कि GTA 5 भी मिलने वाला है, स्पाइडरमैन भी मिलने वाला है, कॉल ऑफ ड्यूटी मिलने वाला है, ठीक है ना, और बहुत तरह के गेम्स मिलने, जैसे 2 गेम्स हो गए, रेसिंग गेम्स हो गए, वो सारे गेम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कि यार मुझे एक्सबॉक्स वन में डलवाना है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको एक्सबॉक्स वन, तो गाइस इसमें आपको गेम्स नहीं मिलता है। जैसा कि बहुत लोगों को अभी तक ये था कि एक्सबॉक्स वन के लिए हमें DVD खरीदनी पड़ती है, और DVD आता है कम से कम 1500 रुपये से ऊपर, 1500 से कम से कम प्राइस है, इससे नीचे आपको DVD नहीं मिलनी मिलनी अगर आप नया खरीदने वाले हैं तो, ठीक है ना। तो अगर आप नया गेम खरीद रहे हैं 1500 रुपये का, 2000 रुपये का,
तो दो तीन गेम खरीदोगे, चार गेम खरीदोगे, बस उससे ज्यादा गेम खेल नहीं पाओगे आप। तो अगर आप ये खरीदते हो, सेकेंड हैंड खरीदते हो या नया खरीदते हो, जो भी अगर आप गेम डलवाते हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर गेम डलेगा कैसे, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। दिल्ली में तो कुछ हो भी रहा है, दिल्ली के बाहर जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, गुजरात, इधर ना पता ही नहीं है कि भाई एक्सबॉक्स में गेम लोड होगा भी या नहीं होगा, या लो होता भी है या नहीं होता, ये तो पता ही नहीं है। तो गाइज मैं आपको दिल्ली में बैठ करके ये बात बता रहा हूँ कि आप एक्सबॉक्स कोई सा भी हो, एक्सबॉक्स वन से स्टार्ट करो, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स तक जाओ, सब में गेम्स लोड होते हैं, और वो भी आपके पसंद के गेम्स लोड होते हैं, और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि हम आपको जैसे कि 2000 की सीडी है उसका हम 1000 रुपये ले रहे हैं एक गेम का, फिर ऐसे एक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है तो भी आप डलवाते, मुझे पता है डलवाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये में, 4000 रुपये में आपके मन के पसंद के 16-17 गेम, मतलब कि अगर 1 TB हार्ड डिस्क आपके पास है तो सेम प्राइस 4000 रुपये लगेंगे सारे फुल करके गेम देंगे करके। अगर आपको 500 GB हार्ड डिस्क है जिससे कि उसमें 6-7 गेम आते हैं, तो वो भी हम लोड करके देंगे, लेकिन उसका भी जो प्राइस है वो 4000 रुपये ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो आधा गेम डलवाया तो हमें 4000 क्यों देना पड़ रहा है, हमें 2000 देंगे, तो गाइज ऐसा नहीं होता है। जो गेम डलते हैं उसमें 4000 रुपये ही लगते हैं, और अगर आप गेम डलवाते हैं तो हम आपको गेम डाल करके देंगे, वो भी आपके मनपसंद। और चाहे अब आप एक्सबॉक्स वन लीजिए, एक्सबॉक्स वन एस लीजिए, वाइट वाला जो होता है, उसके बाद एक्सबॉक्स वन एक्स लीजिए, चाहे वन सीरीज एस, सीरीज एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी आपको गेम हम 4000 में डाल के देने वाले हैं। रही बात, ये फायदा इसलिए होने वाला है, जैसे कि अगर आप दूर बैठे हो, गुजरात में हो, कलकत्ता में हो, केरल में, असम में, गुजरात कहीं पे भी हो, तो आप अपना कंसोल भेज देंगे, हमें भेजना ही पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें गेम डालेंगे, और गेम डालने के बाद हम उसको वापस आपके पास भेज देंगे। शर्त ये होगा कि आपको इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है उसमें, अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो वो आपके गेम्स जो हैं लॉक हो जाएंगे, वो गेम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, अगर आप गेम डलवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, आप खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको देने वाले हैं वो भी बहुत से सस्ते, मतलब बहुत सस्ते से सस्ते प्राइस में। अगर आप एक्सबॉक्स वन एस लेंगे, अपने जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पे 18000-20000 का एक्सबॉक्स वन दिया जाता है। अभी मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे 20000 रुपये प्राइस बता रहे थे इसका, ठीक है ना, वो भी विदाउट गेम्स। हम देते हैं 11500 रुपये, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है, समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। रायपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे भी आपको कितना ज़्यादा महंगा मिलता है, 18000 रुपये का 17500 ऐसे मिलता है, हम देते हैं 11500, सिर्फ 11500 रुपये में आपको देंगे। लेकिन अगर आपको गेम लोडेड चाहिए, गेम के साथ चाहिए, तो आपको सिर्फ 4000 से मिक्स कर लो, कितना हो गया 15,500, हम आपको 15,000 का देंगे। 15,000 में आपको एक्सबॉक्स वन दे रहे हैं जिसमें आपके मनपसंद गेम्स लोडेड होंगे, वो भी 16-17 गेम्स 1 TB में फुल करके देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप ले रहे हो ना ये, तो आपका पैसा बहुत बच रहा है और आपको वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, तो वैसा ही मिलने वाला है, आपका जो मनी लग रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद एक्सबॉक्स वन एस है वो भी मिल जाएगा, एक्सबॉक्स वन एक्स है वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बढ़िया है, दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अगर आप गेम डलवाना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको कंसोल भेजना पड़ेगा, अगर आप गेम डले डला लेते हैं तो हम भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात कोरियर लगाने के लिए, तो हम कोरियर लगाते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, तो ऐसा कुछ है, इसमें PS2 डला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ है गाइस, देख सकते हो, ऐसा हम पैक करते हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, पैकिंग बहुत बढ़िया होने वाला है, इसको कहीं से गिराते लेके जाओ, कुछ भी करके लेके जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। रही बात अगर आप एक्सबॉक्स ले रहे हैं, बड़ा वाला महंगा वाला, या PS4 ले रहे हैं, तो हम आपको कहेंगे कि इंश्योरेंस करा लो, अपने जो भी पार्सल हम देते हैं उसका इंश्योरेंस बोल दो कि भैया मेरा इंश्योरेंस कर दो, ज़्यादा नहीं 200-300 रुपये का डिफरेंस पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उससे कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो हम, मतलब हम क्या, कंपनी सुनती है, ठीक है ना। रही बात कैश ऑन डिलीवरी की, तो अभी गांव जा रहा हूं मैं, तो गांव जाने से पहले तक का बता रहा हूं, अभी कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दिया है, जब मैं आऊँगा वापस तो आपका कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप हमसे PSP लेते हैं, PS4 लेते हैं, एक्सबॉक्स PS3 वगैरह लेते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। रही बात कि अगर आपको फ्री में चाहिए, हाँ बहुत लोग मेरे से कहते हैं विशाल भाई हमारे पास सर पैसा नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसा हैं वैसा हैं, बहुत कॉल आते हैं मेरे पास, तो उसके लिए बता दूं कि अगर आप लोगों को ऐसे फ्री में चाहिए एक्सबॉक्स, सॉरी एक्सबॉक्स PS3 या PS4,
तो हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। अगर आपको हमारे चैनल से गिव अवे में आपको कुछ भी जीतना चाहते हैं, PS3 या PS4, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। हमने बहुत सारी वीडियोस में डाल रखी हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको गिव अवे मतलब जीतना है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, तो कुछ भी नहीं करना। हमारा जो दूसरा चैनल है विशाल सौम्य ब्लॉग्स, यहाँ पे आ रहा होगा, उस चैनल पे जाना है, उसको करना है सब्सक्राइब। हर हर महादेव वाली एक वीडियो है, तो उसमें करना है कमेंट हर हर महादेव, ये कमेंट करना है। फिर आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए, मतलब PS3 चाहिए या PS2 चाहिए, जो भी चाहिए वो डालना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है सब्सक्राइब किया हुआ, और उसका वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना है। इंस्टाग्राम नीचे आ रहा है @thevishalkumar88, उस पर जाना है, इंस्टाग्राम पे फोटोज भेजनी है। और जो भी इसमें नया वीडियो आएगा, जो भी अपलोड हो रहा है नया वीडियो, उसको भी लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। जो नया वीडियो मैं डालूंगा उसको कमेंट करना है और लाइक करना है। जो भी कमेंट, जिसका भी कमेंट होगा रेगुलर आता रहेगा, मतलब हर वीडियो में आ रहा है उसका कमेंट, और टाइम पे आ रहा है, सब में लाइक आ रहा है और सब्सक्राइबर भी है, तो मैं उनको देने वाला हूँ PS3, और उसके एक हफ्ते के बाद PS4। अलग अलग बंदे, वो सेम बंदे को नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको हमारे से जुड़ना है, हमसे कुछ लेना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी है, इंस्टाग्राम भी है, कॉल भी है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, सब कुछ, एड्रेस भेजना होगा अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो, ठीक है गाइस। ये था हमारा वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए बाय।